भाई और बहनों, पहले इस प्रकार के इन्वेस्टर समिट्स देश के कुछ ही राज्यों में हुआ करते थे। यहां अनेक ऐसे साथी मौजूद हैं जिन्होंने पहले की स्थितियों को भली भांति देखी है, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं और इसकी एक गवाह यहां हिमाचल में हो रहे इस समिट भी है। अब राज्यों में बिजनेस को आकर्षित करने के लिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए एक नई होड़, एक नई कंपटीशन, एक नई स्पर्धा शुरू हुई है। साथियों, कुछ दशक पहले हमारे देश में यह हालत थी कि कौन सा राज्य ज्यादा चैरिटी करेगा, कौन ज्यादा इंसेंटिव देगा, कोई टैक्स माफ करेगा, कोई बिजली का माफ करेगा, कोई जमीन सस्ते में देगा, ऐसे यही स्पर्धा चलती रहती थी। लेकिन अनुभव यही कहता है इस तरह की स्पर्धा ने वो परिणाम नहीं दिए जैसे अपेक्षित थे। तब निवेशक भी इस इंतजार में रहते थे कि अब कौन सा राज्य ज्यादा से ज्यादा रियायत घोषित कर रहा है, इंसेंटिव देने वाला है। इस कारण इन्वेस्टर्स भी किसी राज्य में निवेश का निर्णय टालते रहते थे। उनको लगता है शायद कोई दूसरा राज्य ज्यादा कुछ दे देगा। उन्हें भी लगता था कि भाई 5% छूट क्यों ले, हो सकता है आगे 10% छूट मिल जाए। फिर लगता था हो सकता है आगे कोई 15% छूट दे देगा। लेकिन साथियों, मुझे संतोष है कि पिछले कुछ वर्षों में इस स्थिति में भी आमूलचूल परिवर्तन आया है। अब राज्य सरकारें समझने लगी हैं कि रियायतों की स्पर्धा न राज्य का भला करती है और न ही उद्योगों को आकर्षित कर पाती है, उद्योगों का भला भी नहीं कर पा सकती। साथियों, निवेशक के लिए यह आवश्यक है कि उसे उपयुक्त इकोसिस्टम मिले, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिले, हर मोड़ पर सरकार के परमिट राज का शिकार न होना पड़े। इन दिनों सरकारें इस इकोसिस्टम को बनाने की स्पर्धा में आगे आ रही है। राज्यों के बीच एक अच्छी तंदुरुस्त स्पर्धा आज नजर आ रही है। राज्य इनिशिएटिव लेकर के व्यवस्था सरल कर रहे हैं, कानूनों में बदलाव हो रहा है, गैर जरूरी नियमों को समाप्त करने के दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यों में यह कंपटीशन जितना बढ़ेगा, हमारे उद्योग भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कम्पीट करने के लिए सामर्थ्यवान बनेंगे। दूसरे उद्योगों से मुकाबला करने की उनकी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और इसका लाभ राज्य को होगा, राज्य के लोगों को होगा, देशवासियों को होगा और हिंदुस्तान तेज गति से आगे बढ़ेगा।